मनवंत मर्डर्स आपने देख लिया होगा, सोने लीफ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि रिसेंटली आया है। क्राइम ड्रामा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में स्टार्टिंग से ही क्राइम ड्रामा कुछ इस लेवल का बन रहा है जिसे अभी तक जो है वो कोई मैच नहीं कर पाता जल्दी से। मनवंत मर्डर्स भी आपको उसके आसपास जरूर नजर आएगा क्योंकि ये कहानी सेट है 1973 के आसपास 70s में, तो आपको उसी तरीके का सिनेमाटोग्राफी भी जो है वो देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अलग तरीके से है और स्टोरी अलग तरीके से चलेगा और ऐसा फील भी होगा कि एक टीवी ड्रामा की तरह सेट किया गया है इसे। अब इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं अगर आप देखना चाहते हो इस ड्रामा को, तो सबसे पहले इस बात को जान लो कि ये जो कहानी है ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर है और जिस पुलिस ऑफिसर ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था उसी ने एक बुक लिखी थी, उसी बुक के आधार पे ये कहानी जो है आपको यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा सा तड़का लगा के ताकि देखने में आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। अब इस कहानी में एक जो सबसे डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगा वो कि यहाँ पे एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि वेल एजुकेटेड है, हर मेथड में किस तरीके से क्राइम को और क्रिमिनल्स को जोड़ना है, किस तरीके से क्रिमिनल से कबूल करवाना है और एक यूनिक पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे दिखाई देगा, शायद एक अलग एंगल आपको नजर आए जो कि अच्छा भी लगेगा। नंबर टू, एक यूनिक लीड करेक्टर। अब क्राइम ड्रामा में आपने बहुत तरीके के लीड करेक्टर देखा होगा, अब बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि क्राइम ड्रामा में मेनली आप ये देखते हो कि अगर क्राइम को समझना है तो आपको क्रिमिनल जैसा सोचना पड़ेगा, ऐसा मैसेज जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देता है। लेकिन एक ऐसा पुलिस वाला आता है जिसकी अप्रोच ही अलग होती है, जो अलग तरीके से सोचता है और वो सोचता है कि यही मेथड जो वो कर रहा है वो अच्छा है और हर चीज को एक काम तरीके से आसानी से सॉल्व करके चला जाए। ये यूनिक पर्सपेक्टिव शायद आप जो है क्रिमिनल ड्रामा में एक्सपेक्ट नहीं करोगे जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी सीरीज में जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं अगर कुछ को आप छोड़ दोगे तो आप देखोगे सबने बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे और वो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देते जाएंगे कि जब भी स्क्रीन पे चलेगा तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा ये एक सपोर्टिंग रोल्स कर रहे हैं और आपको जो मेन स्टोरी है उससे अलग किया जा रहा है या फिर आपका जो लीड करेक्टर है वो कब आपके सामने आएगा, ऐसा बिल्कुल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपने अपने रोल्स को निभाया है और ये सारी चीजें बिल्कुल आपको जोड़ कर रखेगा जो इस सीरीज को एक बेस्ट क्राइम ड्रामा बनाने के लिए अच्छा सा सपोर्टिंग रोल्स होगा। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव्स की जो कि ये सीरीज और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था। पहला है सुपरफिशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अब इस सीरीज में ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई गई है चाहे वो फ्लैशबैक में हो या फिर उस चीज को लाइव एक्शन होते हुए। इसके साथ साथ जैसे कास्ट, जेंडर, ग्रीड, ये सारी चीजें इस सीरीज में है लेकिन बहुत अच्छे से टच नहीं किया गया है, उस चीज को बस यूज किया गया है, उसका नाम आप ऐसा कह सकते हो लेकिन उसे उस लेवल पे दिखाया नहीं गया है जिस लेवल पे और ज्यादा डीपली दिखाया जा सकता था और आपको अच्छे से इंगेज कर सकता था जो कि शायद कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर लगा। नंबर टू, टेलीविजन लाइक प्रोडक्शन। अब इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जैसे नॉर्मल ड्रामा टीवी सीरीज शूट की जाती है वैसा ही शूट किया गया है जिसमें कहीं ना कहीं नेरेशन की कमी है। जिस तरीके का वातावरण होना चाहिए जहाँ पे 8-8 मर्डर हो जाए उस गाँव में वातावरण बिल्कुल नॉर्मल कैसे हो सकता है, तो जो नॉर्मल क्राइम ड्रामा है अभी का उसके हिसाब से देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग जरूर चलता है। अब ऐसा कह सकते हो कि 70s की कहानी को बता रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उस हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल रखा गया हो लेकिन हाँ थोड़ा सा डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता था इसे। नंबर थ्री, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसकास्ट किया गया था जो कि मेन एंटागोनिस्ट है उनका। अभी कास्ट ऐसा है कि जिसके बिहेवियर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया गया है जो कि आपको लगेगा कि कभी बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा जो है फनी टाइप के जो हो दिख रहे हो, लेकिन एक जो सीरियस वाला बिल्कुल एक पावरफुल तरीके का एंटागोनिस्ट दिखाई दे ऐसा करेक्टर में नहीं झलका, जो कि थोड़ा सा पुअर कास्टिंग आप कह सकते हो या इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भर दिया एक करेक्टर में कि शायद वो करेक्टर जो दिखना चाहिए था वो हमें दिखा नहीं, वो कमजोर पड़ने लगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा इसके बारे में तो आप कहोगे कि हाँ ये सीरीज वन टाइम वॉच जरूर है और आपको शुरुआत से ही बांध के रखेगा लास्ट तक फिनिश करने के लिए। एपिसोड बहुत बड़े नहीं है, टोटल 8 एपिसोड है तो बहुत ही आराम से आप इसे जल्दी से जल्दी फिनिश कर लोगे। लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप सीरीज को देख के बोर हुए, और ये सीरीज ऐसा ही है कि आपको शुरुआत से तो स्टार्ट होगा लास्ट एपिसोड तक बांध के रखेगा कि आखिर है कौन किलर और चल क्या रहा है, आखिर मर्डर इतने हो भी रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लास्ट एपिसोड में ही जाके रिवील होगी। सो इसके लिए सीरीज बहुत ही अच्छा है, अगर आप देखोगे तो बहुत इंजॉय करोगे। सो होप से वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।